एक्शन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जबलपुर की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, एक्शन मोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। गुंडे बदमाश माफिया पर सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाश माफिया को तबाह कर देंगे, प्रदेश में मिलावटखोरी अब नहीं चलेगी। तो बेटियों से छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी, नाम बदलकर पाप करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला हक गरीबों का है। गुंडे माफिया जमीनों पर कब्जा करने वाले, गरीबों का राशन खाने वाले, मिलावट करने वाले, मसल पावर का इस्तेमाल करके लोगों को डराने वाले, धमकाने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले, चिटफंड कंपनियों के नाम पर जनता का पैसा खाने वाले, इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। हमने कानून बना दिया है, अगर ये नाम बदल के धर्मांतरित करके लोग लालच प्रलोभन देने का पाप किया तो पूरी जिंदगी जेलों में चक्की पिसवाई जाएगी, आजीवन कारावास की सजा होगी, नहीं छोड़ेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जबलपुर की ओर रुख करेंगे। सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। जैसे कि जानकारी मिल रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि गुंडे बदमाश अब प्रदेश में नहीं बख्शे जाएंगे, क्या लगता है? जी हाँ प्रेरणा, शिवराज सिंह, जैसे कि सीएम शिवराज सिंह जो है एक्शन मोड में है, काफ़ी दिनों से इनको एक्शन मोड में देखा जा रहा है। लेकिन बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि सीएम ने आज जबलपुर से कहा है कि जबलपुर संस्कारधानी की धरती से संकल्प लेता हूँ कि किसी भी तरह के माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शिवराज सिंह शिव के नाम से हैं, तो शिव की तीसरी आँख खुलेगी तो स्वाभाविक सी बात है पूरे प्रदेश के जो माफिया हैं वो नष्ट हो जाएंगे। साथ ही उनने आंकड़े भी जारी किए कि लगभग 3000 बेटियां जो नाम बदल के लोग जिनके साथ बेटियों के साथ प्रदेश की बेटियों के साथ जिन्होंने छल किया है, 3000 बेटियों को अब तक छुड़ाया जा चुका है। 800 करोड़ के चिटफंड के आंकड़े भी जारी किए कि 800 करोड़ जो चिटफंड के जरिए आम आदमी को ठगा गया है वो भी लोगों को वापस करवा दिए गए हैं। ये शिवराज सिंह का अभी इतने दिनों में जो काम चल रहा है एक्शन मोड का, वो ये खाका उनने बताया है। 110 जबलपुर की बात करें तो 110 करोड़ की जो जमीन है जो माफियों के कब्जे में थी, काफी दिनों से माफिया इस पे राज कर रहे थे, तरह तरह के माफिया थे, उन तमाम माफियों के पास से लगभग 110 करोड़ की जो जमीन है वो यहाँ से माफियों से छोड़ा जा चुकी है। तो साफ तौर पे यहाँ पे शिवराज सिंह एक्शन मोड में यहाँ नजर आ रहे हैं। हितग्राहियों का सम्मेलन था, वहीं जनता के लिए 210 करोड़ की भी सौगात वो है, भूमि पूजन शिलान्यास। बिल्कुल अमित, एक संकेत यहाँ पर लव जिहाद को लेकर जो कानून मध्य प्रदेश सरकार बना रही है उसको लेकर भी एक संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि बेटियों से छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ प्रेरणा, जैसा कि सीएम शिवराज पहले भी बोल चुके हैं कि बेटियों को लेकर काफ़ी सजग हैं और काफ़ी गंभीर भी हैं। उनने सिंगरौली में हुई घटना का भी जिक्र किया है कि अब तक प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार 30 लोगों को फांसी पर चढ़ा चुकी, दो का जल्द ही नंबर आने वाला जिनकी दया याचिका भी पहुँच गई, तो बेटियों को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बेटियों को लेकर के कानून भी मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया और जिस पर अमल किया जा रहा है, जिसकी खुद मॉनिटरिंग सीएम यहाँ पर करते हैं, बता रहे कि मैं खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा हूं कि बेटियों के साथ जो कानून बना है कि उसमें कहीं लापरवाही ना बरती जाए, कहीं उसको लचर ना बनाया जाए। तो इसलिए सीएम का साफ कहना था कि मैं बेटियों के लिए गंभीर हूं और इसी तरह गंभीरता दिखाता रहूंगा और माफियों को पनपने नहीं दूंगा, ये आज सीएम शिवराज सिंह ने यहां पे कहा। और काफी आक्रामक रुख देखा गया कि आज सीएम ने आक्रामक तरीके से जो है आज तमाम माफियाओं को चैलेंज किया कि जब तक शिवराज मध्य प्रदेश में है तब तक किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा, और साथ ही शिव की आज तीसरी आँख खुलेगी तो पूरे माफिया नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट तो हो रहे हैं लेकिन एक बार में नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि एक चेतावनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुंडे बदमाश माफियाओं को दी है कि अब मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाश माफियाओं को तबाह कर देंगे, प्रदेश में मिलावटखोरी अब नहीं चलेगी।